अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेलाल। आप देख रहे हो एडिटर बेलाल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको मिलता है फोटोग्राफी के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रीमियम रिसोर्स फ्री में मिल जाता है। तो आप सभी के लिए मैं आज ले आया हूँ 15 वेडिंग एल्बम डिज़ाइन टैम्पलेट, जो PSD में है। जो जिन लोगों ने फोटोग्राफी में फोटोग्राफी करता है, वेडिंग के लिए काम करता है, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ इस बंडल में आपको मिल जाएगा 15 वेडिंग एल्बम PSD टैम्पलेट। तो इस फाइल में आपको छोटा सा पासवर्ड लगा है, जो इस वीडियो में शो हो जाएगा। और आपको इजीली किस तरीके से ये एडिट करना है, इन सबको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेता हूँ जो PSD बंडल आपको मिल जाएगा, 15 PSD बंडल, कैसे आपको एडिट करना है और कैसे फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है, फॉन्ट को फॉन्ट मिसिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो इस PSD में नहीं डिज़ाइन करा, ये PSD और दूसरी बंदे से मैं लिया, इसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इस डिज़ाइन मेरी नहीं है। तो देखते हैं, ये है PSD 15 PSD। तो मैं कोई एक PSD को ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप में। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा, जो आपको फॉन्ट मिसिंग है, ठीक है। यह देख लीजिए, यहाँ में फॉन्ट मिसिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। ये है फॉन्ट की नेम और ये है दो फॉन्ट मेरे PC में मिसिंग है। तो इस नेम को आपको टोकन टाइप करना। टाइप करने के बाद आपको कोई एनी वेब ब्राउजर के ऊपर, मिनी गूगल क्रोम फायरफॉक्स, जिन वेब ब्राउजर आप यूज़ करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ में एड्रेस पर में इस फॉन्ट को टाइप करा। टाइप करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करना, इसके बाद इस इमेज मिसिंग फॉन्ट मिसिंग चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये इजी वे से आपको एडिट करना है, किस तरीके से इजी वे से एडिट करना है, इजी वे से, ठीक है। तो एडिट कोई भी कर लेता है, जो इजी वे है मैं इजी वे को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ में आपको इमेज लगाना है, ठीक है, यहाँ में इमेज लगाना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। ये कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, इसके बाद मैं इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने से ये न्यू विंडो में ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं फाइल के बाद प्लेस एम्बेडेड, इसके बाद मैं जहाँ पर मेरी इमेज है वहाँ पर चला जाऊँगा, वेडिंग। इसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ पर ले आया, ठीक है। ले आने के बाद इसको रिसाइज करना। रिसाइज करने के बाद आपको ऑल प्रेस करना, कीबोर्ड से ऑल प्रेस करके यहाँ पर देख लीजिए, ऑल प्रेस करने से ये तीर आ जाता है। ये आपको करना होगा, ठीक है, ये रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये यहाँ में रिप्लेस क्लिपिंग मास्क और यहाँ में क्लिपिंग मास्क, ठीक है, क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क। इसके शॉर्टकट होता है अलर्ट प्रेस करके, इस तरह से आपको आ जाएगा और क्लिक कर देना। क्लिक करने से क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एस दबाना, कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाना तो आपको सेव हो जाएगा। और सेव करने के लिए फाइल के ऊपर यहाँ में सेव करना, सेव एस नहीं, सेव करना, ओनली सेव देना, तो आपको इमेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया और एक देख लो, यहाँ पर क्लिक करा, इसके कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ में डबल क्लिक करा, न्यू विंडो ओपन हो गया, वेडिंग इमेज। इस इमेज को अप्लाई करा, रिसाइज कर दिया। रिसाइज करने के बाद आपको अलर्ट प्रेस करके क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ में फाइल और सेव, ठीक है, सेव एस नहीं है, सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना, सेव हो गया, यहाँ पर चला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इजी वे से आपको सारी इमेज प्लेस करना, ठीक है। यह है इजी वे। और एक वे है, यहाँ पर जिस लेयर के ऊपर आपको इमेज अप्लाई करना है, इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से बाद आपको यहाँ में प्लेस एम्बेडेड, इसके बाद जो इमेज चाहिए आपको वो इमेज ले ले आना, ठीक है। तो यह इमेज को ले आता है, इसके बाद रिसर्च कर देना। यहाँ में क्लिपिंग मास्क कर देना, ठीक है। यहाँ में क्लिपिंग मास्क इस लेयर के ऊपर आपको रिसाइज करना पड़ेगा। कंट्रोल टी से रिसाइज होता है,
यहाँ पर सॉरी कंट्रोल टी प्रेस करना, कंट्रोल टी प्रेस करने से बाद आपको रिसेस कर लेना, रिसेस करने के बाद आपको क्लिपिंग मास्क कर देना, ठीक है। यह है क्लिपिंग मास्क हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और एक तरीका है स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके, कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके आपको लेयर लेयर के ऊपर आपको क्लिपिंग मास्क कर देना, इसके बाद आपको कंट्रोल एस दबाना तो सेफ हो जाएगा। और इस तरीके से आपको करना दो वैसे मैं दिखा दिया, तो जिस तरीके से आपको इजी लगता है इस तरीके से आपको ये एडिट करना है सारी टेम्पलेट, इस तरीके से आपको एडिट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको एक नोटिस करना, जो इस टेम्पलेट आपको यूज़ करना है CS3 के ऊपर, ठीक है, CS3 के नीचे आपको ये टेम्पलेट यूज़ मत करना। और CC वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, CC वर्जन में कोई वर्जन में ये ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का वीडियो इतना है। तो आपको इस वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट के जरिए बताइए, और आपको मेरे नए चैनल के ऊपर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।